नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। बांदरी, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व गृह मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही अपने संकल्प के अनुसार गरीब कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन करने में तेजी से जुट गए हैं। इसका प्रमाण आज बांदरी में आरंभ हुआ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, जहां आम जनता को 70-80% तक कम दामों में 1000 से ज्यादा दवाएं मिलेंगी। पूर्व मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने उपस्थित जनसमुदाय को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा पूरा विधानसभा क्षेत्र और बांदरी मंडल एक परिवार की तरह है। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह सहित में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुकेश राय, बांदरी। शुभारंभ किया है, इससे आमजन के लिए क्या फायदा मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना वाले प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में प्रभाव पहले से चल रही है, और इससे हमारे दवाइयों में 1000 प्रकार की लगभग दवाइयाँ और बाजार से लगभग 80% कम पर दवाइयाँ मिलती हैं। गरीब व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी सहायता है, बहुत बड़ी मदद है और सब अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं। इसलिए ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज बांदरी में प्रारंभ हुआ है, और इसके साथ बाकी अन्य विकास कार्य का भी आज लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। तो इस तरह से पूरे बांदरी क्षेत्र में बड़े विकास है, हम लोग विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज तिरंगा यात्रा भी है और इसके माध्यम से देश में आज़ादी का जो एक पूरा संकल्प है, आज़ादी का उत्सव है, उसको हम सब मना रहे हैं। ये आज का शराबबंदी के लिए जन जागरण का हमने कहा है, जन अभियान चलाने के लिए कहा है और जनता इसके लिए खुद आगे है। विधानसभा के शुरू में हमेशा हम साथ खड़े रहे हैं और आगे भी जो विकास कार्य चल रहे हैं और विकास कार्य इसमें इसको लेकर आगे आप क्या सोचा है? आपने विधानसभा काफ़ी आगे बढ़े और बांध भी अपना देखिए अभी भी बहुत काम बाकी है और आने वाले समय में जो काम और रह गए वो सारे काम भी हम करेंगे। और जो हमारा संकल्प है कि आदर्श विधानसभा हमारा जो प्रदेश में हो उसको उस हिसाब में जो और काम करना वो करेंगे।